और इसमें हम पढ़ेंगे क्या, रजिस्टर। आइए देखते हैं रजिस्टर क्या होता है, कैसे काम करता है, वो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले लोग इसको रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस कहते हैं, मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ रजिस्टर, नोट करते चलना। तो सबसे पहले हम क्या देखने जा रहे हैं, रजिस्टर। तो रजिस्टर के लिए क्या चीजें होती है मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले मैं पढ़ाने जा रहा हूँ रजिस्टर। तो रजिस्टर क्या होता है इसको ध्यान से समझना और सर्किट में भी कैसा दिखता होगा बताने जा रहा हूँ। रजिस्टर बेसिकली जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसको क्या करता है, रेजिस्ट करता है, उसको रोकने का काम करता है, ठीक है। इसके अलावा हमें जो वोल्टेज चाहिए, डिजायर्ड वोल्टेज, वो भी क्या करता है, देने का काम करता है। तो रेजिस्टर का मेन काम है रेजिस्ट करना, प्रतिरोधक है, और मतलब हम अपने कॉम्बिनेशन बना के सर्किट के हिसाब से क्या करते हैं, रजिस्टर सर्किट में लगाते हैं। तो रजिस्टर का मुख्य काम आगे समझ में क्या होता है, रजिस्टर क्या करता है, रजिस्टर का मुख्य काम करंट के फ्लो में रुकावट को पैदा करने का होता है, करंट के फ्लो को रुकावट पैदा करने का कार्य होता है। रजिस्टर रुकावट पैदा करने का होता है। रजिस्टर मोबाइल में चिप टाइप यूज होता है, कौन सा यूज होता है, चिप टाइप यूज होता है। लैपटॉप में भी चिप टाइप यूज होता है। ये वोल्टेज को ड्रॉप करता है, क्या करता है, वोल्टेज को ड्रॉप करने का काम करता है, ड्रॉप करता है। मोबाइल में यूज होने वाले रेजिस्टर्स, मोबाइल में यूज होने वाले रेजिस्टर्स माइक्रो होते हैं, क्या होती है, उनको हम माइक्रो कहते हैं, ठीक। अब इनकी पहचान बताता हूँ कि इनको आप कैसे पहचानोगे। तो सबसे पहले देखना, जब भी रजिस्टर होगा इसमें यहां पर दोनों तरफ ऐसे सिल्वर होगा, क्या होगा, सिल्वर होगा, और बीच में क्या होगा, पूरा ब्लैक होगा, ठीक है। ये इसकी पहचान होगी। इसके अलावा अगर सिल्वर नहीं होगा तो पूरा ये ब्लैक भी हो सकता है, ठीक है, पूरा क्या हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है, पूरा का पूरा ब्लैक होगा, ठीक है, ये भी होगा। इसके अलावा मोबाइल में जो रजिस्टर्स यूज होती है वो नेटवर्क रजिस्टर भी होती है, मतलब उसमें कई सारे रजिस्टर अंदर क्या रहती है, मौजूद रहती है, एक नहीं दो तीन रजिस्टरों को मिला देते हैं, तो नेटवर्क रजिस्टर कहलाती है, क्या कहलाती है, नेटवर्क रजिस्टर। और इनको पहचान करने का तरीका यही है कि ब्लैक होती है और यहाँ भी बगल में क्या होगा, इसके सिल्वर होगा, क्या होगा, इसके बगल में यहाँ भी क्या होगा, इसे सिल्वर सिल्वर, ठीक है, इतना क्लियर। अभी मैं सर्किट में दिखाता हूँ कैसे दिखती है और क्या होती है, रजिस्टर क्लियर। अब रजिस्टर का यूज क्लियर हो गया कि मतलब जैसे हमारी रोड है तो रोड में हम हर जगह क्या लगाते जाते हैं, हर्डल्स, हर जगह रुकावटें लगाते हैं, तो उससे क्या होता है, स्पीड में नियंत्रण आता है। तो रजिस्टर क्लियर हुई, अब आगे लिखिए। तो मोबाइल में रजिस्टर होती है वो इस तरह की होती है। रजिस्टर का अगर मैं यूनिट की बात करूं तो रजिस्टर का यूनिट होता है क्या, ओम। रजिस्टर का यूनिट क्या होगा, ओम, बना लो। इसे ओम नाम के साइंटिस्ट ने बनाया था, इसलिए इसको ओम इसका क्या रखा गया, यूनिट। तो सर्किट में जब हम देखेंगे तो क्या होगा, यूनिट ओम, अगर जहां भी ओम लिखा हुआ है तो समझ लेना क्या है, वहां पर रजिस्टर लिखी लगी हुई है। इसका डिनोटिंग लेटर होता है आर, इसका डिनोटिंग लेटर क्या होता है, आर, आर से डिनोट करते हैं। इसके अलावा इसका जो सिंबल होता है, रजिस्टर का जो सिंबल होगा वो कैसा होगा, देखो ध्यान से, ये रजिस्टर का सिंबल, देखो ये रजिस्टर का सिंबल है, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं, इतना हमें समझ में आ गया रजिस्टर में। अब रजिस्टर देखो,
अब रेजिस्टर जो हमारे जैसे पावर सप्लाई SMPS हो गया, अडाप्टर हो गया, कई बार उनमें क्या होती है नॉर्मल रेजिस्टर लगी होती है कलर कोड वाली, वो अभी आपको पढ़ने की इसमें जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वो कुछ ऐसी होती थी उनमें कलर कोड चलते थे, तीन चार कलर वाली, पांच कलर वाली, ठीक है, छह कलर वाली, तो वो आपको अभी इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे मैं समझाऊंगा, अगर कभी आपको पढ़ने की इच्छा होगी तो मैं चार कलर, पांच कलर, चार बैंड, पांच बैंड और छह बैंड वाली के रजिस्टर बताऊंगा। ये नॉर्मल रजिस्टर होती है और इनको हमें क्या करना होता है, पावर सप्लाई में अगर आप देखेंगे जो पुराने बोर्ड से टीवी है, जो पुराने वाले CRT टीवी, उन सब में क्या होती है रजिस्टर यूज होती थी। तो इनमें चार बैंड, पांच बैंड, छह बैंड, इस तरह से क्या होता था, यूज होता था, ठीक है। अब इनमें कलर कोड कैसा चलता था, तो कलर कोड के लिए देखो जैसे इसमें स्टार्ट कर दिया पहला, जैसे रेड से स्टार्ट किया, ऐसे स्टार्ट किया रेड 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 और फिर यहाँ क्या दे दिया, रेड 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 और यहाँ गोल्ड दे दिया, ठीक है। तो उसके हिसाब से इनका कैलकुलेशन होता था, ठीक है। तो इस पर अभी हम नहीं जा रहे कि क्या है, कैसे कहानी होती है, अभी हम सिर्फ क्या पढ़ने जा रहे हैं, अभी हम चिप टाइप रजिस्टर पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। इसको नोट कर लो, जो कलर कोड वाली रजिस्टरें होती थी, कार्बन रजिस्टरें होती थी, इनमें चार बैंड, पांच बैंड और छह बैंड होते थे, जिनका यूज पहले हुआ करता था और पावर सप्लाई में आज भी कहीं कहीं इसका यूज मिलेगा। फोर बैंड, फाइव बैंड और सिक्स बैंड होती है। अब रेजिस्टेंस में आपको क्या चीजें देखनी होती है, अब मैं भी रेजिस्टेंस यूज कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, रेजिस्टर में क्या होता है, देखिए रेजिस्टर क्या है, जैसे अपन बात करें क्रिकेटर, क्या बात कर रहे हैं अपन, क्रिकेटर, तो क्रिकेटर क्या है, या तो बैटिंग करता है या बॉलिंग करता है ना, तो बॉलर क्रिकेटर है। इसी तरह से रेजिस्टर मतलब जो आदमी उसका बहुत क्रिकेट खेलना है, इसलिए हम उसे क्रिकेटर कह देते हैं, पर वो क्रिकेट नहीं है, क्लियर हो गई कहानी। इसी तरह से रेजिस्टेंस रेजिस्टर का गुण होता है, ठीक है। तो रेजिस्टर कहा जाता है ना कि उसको रेजिस्टेंस कहा जाता है। रेजिस्टर का गुण क्या है कि रेजिस्ट पैदा करना, रुकावट पैदा करना, तो रुकावट जो पैदा कर रहा है उसको हम रेजिस्टर कहते हैं, रुकावट पैदा करने वाला रेजिस्टर नाम से जाना जाता है। और वो जो नाम है उसका, वो क्या पैदा करता है, रेजिस्टेंस पैदा करता है, रुकावट पैदा करता है, क्लियर हो गई कहानी, कोई डाउट तो नहीं आता। अब आगे देखिए, अब जैसे रेजिस्टेंस में जो मतलब कितना रेजिस्टर का रेजिस्टेंस है वो कैसे नापते हैं, जैसे अपना 100 किलो दूध है उसको हम क्या बोलते हैं, 1 क्विंटल बोलते हैं, 1 क्विंटल बोल देते हैं, 1 क्विंटल होता है। इसी तरह से जब 1000 ओम हो जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं, 1 किलो ओम। जब 1000 किलो ओम हो जाता है तो क्या बोलते हैं, 1 मेगा ओम की रजिस्टर गई, क्लियर हो गई कहानी। अभी जब मैं आपको सर्किट दिखाऊंगा तो जैसे ये लगा है, जब हम स्कीमेटिक पढ़ेंगे तो यहाँ पर ये सिंबल से आप समझ जाओगे रेजिस्टेंस, ऐसे R लिखा होगा, सिंबल बना होगा और यहाँ पर वैल्यू लिखी है 2 किलो ओम, तो समझ जाना कि 2000 ओम की क्या लगी हुई है, रेजिस्टेंस, रजिस्टर लगी हुई है जिसका रेजिस्टेंस है 2000 ओम। 2000 ओम को 1000 से डिवाइड करके 2 किलो ओम लिखते हैं, तो सर्किट में रेजिस्टेंस आपको ऐसे देखने को मिलेगी, क्लियर हो गया। क्योंकि वहां पर पूरा रेजिस्टर नहीं लिखा होगा, रेजिस्टेंस नहीं लिखी होगी, डिनोटिंग लेटर लिखा होगा और कितने ओम का है वो यहाँ पर क्या होगा, इस तरह से दिखाई देगा। 1000 ओम इक्वल टू 1 किलो ओम और 1000 किलो ओम इक्वल टू 1 मेगा ओम। सर 1 मेगा ओम आगे चले। अब ये तो हमने आ गया कि रेजिस्टेंस, अभी हम सर्किट में देखेंगे, प्रैक्टिकल देखेंगे तो सारी चीजें समझ में आएंगी।
अब पहले मैं इसको डीपली आपको समझा दूं। अब रजिस्टर जो होती है, रजिस्टर में बेसिकली क्या होता है कि जो रजिस्टर होती है उसमें क्या होता है, वैल्यू कई बार जो हमारे मोबाइल के रजिस्टर साइन है, इसका रजिस्टर साइन है मोबाइल के जो रजिस्टर साइन है, इसमें क्या होगा कि कई बार वैल्यू लिखी होगी, क्या होगा कई बार वैल्यू सीधा लिखी होगी, आप देख के पहचान सकते हो, पढ़ सकते हो। और कई बार जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, ना ही लिखी होती, सिर्फ ये काले कलर का क्या करेगा, दिखा देगा। ठीक है, तो इसको देखने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, स्कीमेटिक डायग्राम में, जो मैं आपको अभी की क्लासेस में क्लियर करूंगा। लिख लीजिए, अगर रजिस्टर पर वैल्यू लिखी है तो हम आराम से पढ़ लेंगे, और नहीं लिखी है तो स्कीमेटिक डायग्राम चाहिए। और नहीं लिखी है तो स्कीमेटिक डायग्राम चाहिए। अब ये बहुत ध्यान से पढ़ना जो मैं अगली चीज बता रहा हूं, क्योंकि यहां से आपको वैल्यू निकालना रजिस्टर की चल जाएगी। अच्छे से पढ़ना, दुनियादारी छोड़ देना, जितने बच्चे बैठे सब ध्यान से देखना। अब यहां पर हमने लिया, सबसे पहले एक कंडीशन आप समझो वो किस तरह से लिखी होती है। पहली कंडीशन ए, यहां पर लिखा कितना, यहां पर लिखा एक डब्बा बना हुआ ऐसा, दूसरा डब्बा बना हुआ ऐसा, और तीसरा डब्बा बना हुआ ऐसा, तीन डब्बे बने। अब इस पे लिखा है 200, इस पे लिखा है 330, इस पे लिखा है 410। ध्यान से देखो, अगर ऐसा लिखा हुआ है रजिस्टर पे तो आपको कुछ नहीं करना, जो लास्ट वाला जीरो से हटा देना, तो ये कितनी हो जाएगी 20 ओम, ये कितनी हो जाएगी 35 ओम, ये कितनी हो जाएगी 44 ओम। सिंपल फंडा है, कर लोगे। अब एक और एग्जांपल यहीं पर देता हूँ, जैसे लिखा 660 तो कितनी हो जाएगी 66, क्लियर हो गया आपको। दूसरी कंडीशन बी, इसमें क्या होगा, फिर तीन डब्बे बना लेते हैं ताकि आसानी हो जाए, नोट्स प्रॉपर रखना है ना। अब इसमें क्या लिखा होगा, जैसे इस पे लिखा 3R2, क्या लिखा है 3R2, इस पे लिखा है R33 और अगले पे लिखा है 3331R। देखो ध्यान से, देखो जहां R लिखा है वहां पर पॉइंट लगा दे, 3.3 ओम, और यहाँ 31 लिखा है, ये हो जाएगा 31.2। मतलब यहाँ पर 31.0 तो मतलब 31 हो गया। सर ये ओम आएगा जीरो, सब ओम, सब ओम। ये मोबाइल में याद रखना, इस तरह से हमें पूरी चीजें करनी है। सी, अगला लिखा है 2K2, अगला लिखा है 2K2 लिख दिया, अगला लिखा है 22K, अगला लिखा है बल्ले का K22। अब जहां K लिखा है तो मतलब हो गया 2.2 किलो ओम, याद रहेगा, यस सर। 22 के तो किलो ओम, 0.22 किलो ओम, सिंपल सा बन रहा है, के मतलब किलो, जल्दी आ जाए। ये रजिस्टर लैपटॉप और मोबाइल में आपको इस तरह से पढ़ना ही आना चाहिए। इसके अलावा एक और बहुत कोड होता है, वो भी देखूंगा मैं आपको, उसकी फोटो कॉपी आप करा दूंगा। डी लिखा है 2M3, लिखा है M22, लिखा है 33M, क्या हो जाएगा 2.3
मेगा मेगा 0.22 मेगा ओम और 33 एमए तो 33.0 मेगा ओम। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है यहां तक? जल्दी आओ, जल्दी आओ, एक मिनट करो बेटा। कोई डाउट यहां तक? कोई परेशानी यहां तक? अब हम चलते हैं रजिस्टर में एक और चीज। अब जैसे रजिस्टर एक बॉक्स मतलब बॉक्स ही होगा, जीरो लिखा है, डबल जीरो लिखा है या ट्रिपल जीरो लिखा है, तो ये होती है जीरो ओम की रजिस्टर। लेकिन ये जीरो नहीं होता, इनमें कुछ ना कुछ ओम जरूर होता है। इनको कहते हैं फ्यूजेबल रजिस्टर। क्या कहते हैं? फ्यूजेबल। ये ऐसे फ्यूज काम करते हैं, ऐसे फ्यूज काम करती है। अगर ओवर वोल्टेज वगैरह कुछ हो रहा है तो ये क्या हो जाता है, अपने आप को गला के सर्किट को ओपन कर देता है। ठीक ठीक है। अगर मैं अब एक क्वेश्चन उठता है कि हम रजिस्टर को चेक कैसे करेंगे, क्या कैसे करेंगे? चलिए चेक भी करते हैं और समझते हैं। अब देखिए आपका रजिस्टर है कुछ इस तरह से, इस पे लिखा है 220, 22 ओम दिख जाएगा आपको। अगर 22 की जगह ये 0 ओम दिखा रहा है तो मेरा काम से जीरो ओम मतलब ओपन हो गई, मतलब पहले से बीच से कट गई। तो सर ये 0 ओम कैसे दिखाएगा बता, खराब हो जाएगी तो दिखाएगा ना। अब 22 की जगह अगर 10 या 12 दे रहा है तो वैल्यू क्या हो गई, शिफ्ट कर गई, वैल्यू चेंज हो गई। कोई वैल्यू नहीं दे रहा तो ओपन हो गया। क्लियर है? अब सुनिए, अधिकतर 0 से लेकर 20 ओम 25 ओम तक की जब भी रजिस्टर आप चेक करोगे तो आप इस पर जब डायोड मोड कंटिन्यूटी मोड पे चेक करोगे तो बीप आएगी। क्या आएगी? बीप आएगी, तो वो सही है क्योंकि 20 ओम की जो रजिस्टर होती है उसमें बीप आने ही आना है। क्लियर हो गई कहानी? अब यहाँ पर हमें देखना है कि अगर हमारी रजिस्टर 40 ओम 40 किलो ओम की है और वो दिखा रही है 20 से 22 किलो ओम, तो मतलब कहानी क्या है, गड़बड़ है, रजिस्टर हमें बदलनी पड़ेगी। क्लियर है? यह चीज दिमाग में बिठा लेना क्योंकि अब मैं इंपॉर्टेंट चीज बता नहीं जा रहा हूँ। ठीक, विकास ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, जहां डाउट होगा मुझे टोक देना, रजिस्टर खत्म होने के बाद फिर मैं पूछूंगा तो वहां पर क्वेश्चन नहीं उठने चाहिए, वहां क्वेश्चन मैं करूंगा। अब देखिए आपका यहां पर हमारे पास एक रजिस्टर है, अब सर्किट में बता रहा हूं, ये लगी है, ये लगी है, यहां पर हमने 6 वोल्ट दे रहे थे और हमें यहां चाहिए 5 वोल्ट। ठीक, हमेशा ज्यादातर क्या लगी होती है, सीरीज में ही लगी होती है। हाँ, रजिस्टर सिंगल टर्मिनल होता है, क्या होता है, सिंगल टर्मिनल, ये प्लस प्लस के बीच में ही लगाई जाती है ज्यादातर। ठीक है, अब रजिस्टर कभी भी क्या होगी, ओपन होगी या वैल्यू क्या हो जाएगी, शिफ्ट कर जाएगी। क्या कर जाएगी? शिफ्ट कर जाएगी। ठीक है, ये एक पक्का नियम बना ली। हाँ, सर्किट में थोड़ा सा चेंजेस करके हो फिर कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन एक ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो इस तरह से आपको देखना है। अब अगर ये रजिस्टर बीच से क्या हो सकती है, ओपन हो सकती है, मतलब बीच से कट सकती है या वैल्यू कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन यहाँ पर ये शॉर्ट नहीं होगी, ध्यान रखना। तो जब भी मोबाइल में शॉर्टिंग का केस आए तो रजिस्टर के चांसेस नहीं होते। शॉर्ट क्या क्या होगा? डायोड होगा। शॉर्ट क्या क्या होगा? डायोड, ट्रांजिस्टर होगा। शॉर्ट क्या होगा? जो प्लस और माइनस के बीच में जो कंपोनेंट लगे हैं वो क्या होंगे? शॉर्ट होंगे। रजिस्टर क्या लगा होता है? पॉजिटिव लाइन में चल रहा होता है, तो ये इसका नेगेटिव से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ध्यान दीजिए, अब ये पॉजिटिव लाइन में चल रहा है और यहां पर क्या है, ये इसकी क्या चल रही है, नेगेटिव लाइन चल रही है ना, प्लस और माइनस चल रहा है। इसके बीच में क्या लगा हुआ है, कि कैपेसिटर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? अब इस कैपेसिटर की क्या कहानी, कि अगर ओवर वोल्टेज हो या इस तरह की कोई दिक्कत हो तो ये क्या करे, आईसी को उड़ने से बचाए, हीट होने से बचाए और क्या हो जाए, ओवर जो फ्लो हो रहा है उसको क्या करे, ग्राउंड करने की कोशिश करे। तो ये प्लस और माइनस के बीच लगा है और ये नॉन पोलर कैपेसिटर है। कौन सा है? अभी मैं जब कैपेसिटर का टॉपिक पढ़ाऊंगा तो नॉन पोलर पोलर समझाऊंगा। अब क्या होगा, ये जो नॉन पोलर का मतलब होता है इसमें प्लस माइनस कुछ नहीं होगा, चाहे ऐसे लगा लो चाहे ऐसे लगा लो।
तो ये कैपेसिटर प्लस और माइनस के बीच में लगा हुआ है। अगर ये कैपेसिटर शॉर्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? शॉर्ट। अगर ये कैपेसिटर शॉर्ट हो जाए, ये आईसी शॉर्ट हो जाए, तो ये रेजिस्टर क्या करेगी? ग्राउंड के साथ बीप देना क्या करेगी? रिटर्न कर देगी, क्योंकि इसकी भी लाइन क्या है, यहाँ से क्या होगी, इसके साथ ऐसे जुड़ देगी, इस तरह से दिक्कतें आएंगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि रजिस्टर क्या होता है, ओपन हो सकता है, शॉर्ट खुद की वजह से नहीं होगा। हाँ, अगर कंपोनेंट कैपेसिटर शॉर्ट कर दे या आईसी शॉर्ट कर दे या ट्रांजिस्टर शॉर्ट कर दे तो हो जाएगा। मतलब एक पर्सन है, एक आदमी है, एक साधु है, वो गुंडा नहीं हो सकता। लेकिन वो गुंडा कब हो सकता है? जब उसकी कंडीशन, उसके कन्वर्टी में बदलाव कर दी जाए, इस तरह की कोई चीजें होती है, तो वो गुंडा हो सकता है। तो ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है? कोई डाउट है यहाँ तक? तो ये है आपका बेसिकली क्या, रजिस्टर क्या होगा? ओपन भी होगा लेकिन शॉर्ट नहीं होगा, ठीक। तो ये रजिस्टर है, रजिस्टर पर ध्यान किस तरह से आपको देना है। क्लियर हो गई कहानी? सर, रजिस्टर अगर शॉर्ट हो रहा है तो मतलब इट मींस दूसरे पे ये अपने कैपेसिटर दूसरे के बोर्ड के कारण उसके अंदर आपको कारण ही शॉर्ट होगा। अदरवाइज शॉर्ट वो नहीं होता है, क्योंकि सिंगल टर्मिनल होता है, ठीक, सिंगल टर्मिनल। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें अब क्या देखना है, रजिस्टर में इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब मैं आपको लेके चलता हूँ, थोड़ा सा इसको आपको दिखा दूं सारी चीजें कैसे दिखता है रजिस्टर, क्या होता है रजिस्टर। अब हम आ जाते हैं गूगल पे और यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, चिप टाइप रजिस्टर देखते हैं। अब यहाँ पर हमने चिप टाइप रजिस्टर निकाला है, ये दोबारा जल्दी आ जाओ। अब चिप टाइप रजिस्टर में देखिए यहां पर क्या लिखा है, 2R2 लिखा है। यस सर, 2R2, 2R2 का मतलब 2.2, क्या लिखा है, 2.2। अब यहां लिखा है 4R7, तो 4.7। यहां लिखा है 103, तो 103 का मतलब जो लास्ट में 3 है उतने जीरो लग जाएंगे। देखिए सिल्वर है दोनों तरफ, ये वैल्यू लिखी हुई है, और ये थिन फिल्म रजिस्टर है, इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है। क्लियर हो गई कहानी? तो ये रजिस्टर आपको इस तरह से देखना है, ये नेटवर्क रजिस्टर है, इसके अंदर कई सारे नेटवर्क हो सकते हैं। अब आगे अब यहाँ पर ये जो रजिस्टर्स है, ये रजिस्टर्स आपका 472-2512 रजिस्टर, क्लियर हो गई? देख लोगे, पहचान लोगे, मल्टीमीटर से जब चेक करोगे तो आप इसके दोनों एंडों पर क्या करोगे, मल्टीमीटर को लगाओगे और चेक करोगे। अभी आप इसको चेक करते हैं, क्लियर हो गई कहानी? अब हम रजिस्टर को देखते हैं कि रजिस्टर जो होता है सर्किट में कैसा दिखता है। रजिस्टर इन सर्किट, अब देखिए ये रजिस्टर लगा हुआ है, ये बल्ब को कंट्रोल कर रहे हैं, दो बैटरी लगाई और ये रजिस्टर यहाँ पर क्या है, इस तरह से लगा हुआ है। अब देखो सर्किट में, देखो इस तरह से ये रजिस्टर लगा हुआ है, ये एलईडी लगी हुई है, और रजिस्टर का सिंबल देख लो किस तरह से दिख रहा है, ये रजिस्टर का सिंबल है, ठीक है। ये बैटरी लगी है, ये रजिस्टर इसने सिंबल बना दी। ये कलर कोड वाली रजिस्टर है, जो अभी मैं बता रहा था 4 बैंड 5 बैंड, ये सारी चीजें क्या है, कलर कोड वाली है, ठीक। तो ये कलर कोड रजिस्टर इस तरह से होती है, और रजिस्टर सर्किट में आपको क्या होगा, इस तरह से दिखाई देगा। तो ये आपको देखना आना चाहिए। अब रजिस्टर को और आगे बढ़ा लेते हैं। क्लियर हो गई, समझ में आ गया इतना? तो ये रजिस्टर आपको इस तरह से देखने को मिलेगी। तो रजिस्टर ये देखो, और देखो अब मैं आपको इसको मोबाइल, ये रजिस्टर लगी है। अब रजिस्टर बेसिकली सीरीज में लगी है कि पैरेलल में लगी है, उस पर मैं अभी नहीं जा रहा हूँ, उस पर अलग से करेंगे काम, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। अब रजिस्टर इन, अब हम इसको कर रहे हैं मोबाइल सेंटर, रजिस्टर इन मोबाइल सेंटर, आप देखते हैं इसमें। अब देखो ये दिख रहा है,
दिख रहा है आपको सर्किट में? ये दिख रहा है सर्किट आपको? ये दिख रहा है आपको रजिस्टर के सर्किट सारे? ये लगे रजिस्टर, ये रजिस्टर लगा, ये रजिस्टर लगा। तो जैसे ही स्कीमेटिक खोलूंगा तो ये आपको पहचान आना चाहिए कि रजिस्टर कैसा दिखता है। इसीलिए अभी बेस तैयार कर रहा हूँ, बाकी रजिस्टर लैपटॉप में भी ये सब चीजें क्या होना चाहिए समझ में आना चाहिए कि रजिस्टर कैसे लगा होगा। क्लियर हो गई कहानी? तो ये रजिस्टर इस तरह से होगा। अगली चीज, अब हमें क्या देखना है कि रजिस्टर सीरीज और पैरेलल में कैसे काम करता है, तो हम वो भी देख लेते हैं। जो रजिस्टर होता है उसको सीरीज में हमेशा क्या होता है आर वन प्लस क्या हो जाता है आर टू, और पैरेलल में वो क्या हो जाता है वन अपॉन वन आर वन प्लस वन अपॉन वन आर टू। अब ध्यान से देखो, जैसे हमने दो रजिस्टर लगाई सीरीज में, दो ओम प्लस तीन ओम, तो कैसा हो जाएगा पांच ओम का हो जाएगा, दोनों प्लस हो जाएंगे। सीरीज में आप कितनी भी लगाओगे प्लस होगी। पैरेलल में क्या होगा फॉर्मूला चलता है वन अपॉन वन आर वन प्लस वन अपॉन वन आर टू, ठीक है। तो पहला वन वन अपॉन क्या हो जाएगा टू प्लस वन वन अपॉन थ्री, थ्री टू जा सिक्स, यहाँ क्या हो जाएगा थ्री टू जा सिक्स, यहाँ क्या हो जाएगा थ्री प्लस टू ये वन, तो ये हो जाएगा सिक्स अपॉन फाइव। तो पैरेलल में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, और सीरीज में रेजिस्टेंस की वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी। फटाफट बात ये स्क्रीनशॉट कर लेते हैं। ठीक है ना, बता दूं। और रजिस्टर में एक और चीज होती है वोल्टेज डिवाइडर। क्या होता है वोल्टेज डिवाइडर? ये जब मैं आपको सर्किट पढ़ाऊंगा तो वहां पर मैं आपको वोल्टेज डिवाइडर समझाऊंगा, उसका फॉर्मूला समझाऊंगा क्या होता है, ठीक है। तो रजिस्टर में क्या क्या समझ में आ गया अभी आपको? रजिस्टर क्या काम करता है, क्लियर हो गया? यस सर। क्या काम करता है सर? जो करंट के फ्लो में रुकावट कम करने का। और सर उसके अलावा सर रजिस्टर चिप टाइप होता है। हाँ। और वोल्टेज गिराता है रजिस्टर। और इसके अलावा सर रजिस्टर मोबाइल भी यूज होता है, वो माइक्रो रजिस्टर। हाँ। रजिस्टर में क्या क्या फॉल्ट आते हैं? रजिस्टर में किसी को दिक्कत है तो पूछ दो। रजिस्टर में सर मुझसे भी कुछ नहीं आता, वो किसी दूसरे के कोई फॉल्ट होगा, कैपेसिटर होगा, आईसी होगी, इस तरह। हाँ, वो खुद रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा, ठीक है। तो रजिस्टर क्लियर हो गया। रजिस्टर को चेक करना अभी हम देखते हैं। रजिस्टर यहाँ पर सर्किट में तो समझ में आ गया है, लेकिन हमें रजिस्टर को क्या करना है? चेक करना सीखना है, ठीक है। तो वो चीज हम देखने जा रहे हैं। चलिए, और कोई डाउट है इसमें रजिस्टर में? ये था कौन सा टॉपिक? रजिस्टर। वोल्टेज डिवाइडर का मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूं। अब जैसे यहां पर 20 वोल्ट ही हो रहा है, ये 2 किलो ओम की रजिस्टर लगी है और ये 3 किलो ओम की रजिस्टर लगी है, और यहां पर क्या हो रहा है ग्राउंड। तो वोल्टेज डिवाइडर के थ्रू क्या होता है, हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, कि कैसे वो कैलकुलेशन होकर वोल्टेज डिवाइडर बनता है। अभी नहीं करा रहा हूँ, हैवी हो जाएगा, पहली क्लास है, थोड़ा सा रजिस्टर के बारे में आ जाए, फिर नेक्स्ट क्लास में कैपेसिटर से पहले इसको क्लियर करता हूँ कि वोल्टेज डिवाइडर कैसे काम करता है, ठीक है। तो ये वोल्टेज डिवाइडर हमें आगे पढ़ना है। तो ये था वीडियो। वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वहां तक जरूर पहुंचाएं जो आप सीखना चाहते हैं प्रॉपर तरीके में से। कोई भी क्लास चालू होती है तो उसकी हम प्रॉपर थ्योरी कराते हैं पहले, फिर उसका प्रैक्टिकल कराते हैं। अगर कोई सिर्फ प्रैक्टिकल करा रहा है आप वहां चले जाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास आएंगे, सारी चीजें प्रॉपर पढ़नी पड़ेगी। 30वें दिन आप मोबाइल रिपेयर नहीं कर पाएंगे, कहीं और भी सीखे आपको चीजें डिफरेंट समझ में आएगा। हमारे पास आएंगे प्रॉपर तरीके से मोबाइल लैपटॉप से जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि होता क्या है कि मोबाइल आपने रिपेयरिंग करना सीख लिया,
मोबाइल रिपेयरिंग करना सीख लेना, बोल देने से कोई मोबाइल रिपेयर नहीं कर सकता, ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। इसमें सबसे बड़ा चक्कर क्या होता है, जैसे मैंने आज रजिस्टर समझाया, वोल्टेज डिवाइडर मैंने बताया, रजिस्टर के टाइप्स बताए, सारी चीजें बताई। अब क्या होता है कि बैटरी से वोल्टेज जा रहा है, बीपीएच वोल्टेज जा रहा है, ये पावर आईसी लगी है, साथ में चार्जिंग आईसी लगी है क्या, साथ में फ्यूल गेज लगा है क्या, ये आपको पता ही नहीं है और मोबाइल रिपेयरिंग पढ़ाए चले जा रहे हैं। ऐसे इंस्टीट्यूशन है भोपाल के अंदर जिन्हें कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ाने का काम कर रहे हैं। कुछ इंस्टीट्यूशन वाले सिर्फ स्कीमेटिक पढ़ा दे रहे हैं, उसके बाद ना बच्चे को फोल्डर ग्लास टच ना करेक्टर बदलना आ रहा है। तो प्रॉपर कॉम्बिनेशन से पढ़िए, ऐसा कहीं भी हवा में मत उड़िए जहां पर 1,00,000 रुपए फीस आप दे के कुछ भी आपको हासिल बाद में नहीं होने वाला है। तो आइए चलते हैं इसमें, मैं आपको पहले बता दूं। हाँ, अब मैं यहाँ पर समझा रहा था कि क्या है, यहाँ से आपका वोल्टेज जा रहा है, बैटरी बीपीएच जा रहा है, उसके बाद ये कहाँ जा रहा है, पावर आईसी पे जा रहा है कि चार्जिंग आईसी अलग लगी है, फ्यूल गेज अलग लगा है, क्या लगा है। अब आपकी मीडियाटेक है तो क्या कहानी है, क्वालकॉम है तो क्या कहानी है, बैटरी लगाते ही कॉइल पर कौन कौन से वोल्टेजेस आने हैं वो नहीं पता है, ट्रिगर कर दिया आपने, अगर ऑन कर दिया तो मतलब मोबाइल को ऑन कर दिया, तो ऑन करने के बाद बी प्रॉप वोल्ट बी कोर वोल्ट पहले बनते हैं बाद में बनते हैं वो ही नहीं पता है। तो ऐसा जब तक आप नहीं पढ़ेंगे जैसा मैं सीक्वेंस में लेके चल रहा हूँ, तब तक आपको कोई चीज समझ में आने वाली नहीं है। अगली चीज, अब नेटवर्क नहीं आ रहा है, अब पढ़ाना क्या है, नेटवर्क बच्चा बना ही नहीं पा रहा। सबसे पहले वो तो ये चेक करें कि IMEI नंबर शो कर रहा है कि IMEI नंबर ही मिस है, इसके अलावा मिपी टेस्ट में पास हो रहा है कि नहीं वो भी नहीं पता है। मतलब कुछ भी मोबाइल पढ़ा देने से कभी कोई सीख नहीं सकता। मार्केट में जाके बच्चा रोता है कि मुझे रिंगर वाइब्रेटर फोल्डर और धोने धाने के अलावा कोई काम नहीं आया है। अब इसको क्या होगा, ये टेस्ट करने के बाद आप नेटवर्क सेक्शन को टेस्ट करोगे कि क्या है, उसके अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट आईसी लगी है, वाईफाई आईसी लगी है, नेटवर्क आईसी लगी है, पीएफओ लगा है, एमटीआर लगा है, डब्ल्यूटीआर लगा है, कुछ नहीं पता है। मोबाइल रिपेयरिंग करा दी, पैसे ले लिए, बच्चा बाहर जाके क्या हो रहा है, मार्केट में रो रहा है। इसके बाद अगली चीज, लाइट सेक्शन, लाइट सेक्शन का कोई फंडा नहीं पता है, लाइट सेक्शन का कुछ नहीं पढ़ाया है तो लाइट सेक्शन में रो रहा है। इसके अलावा जो डेड बूट होता है, बूट टोटल मोबाइल डेड है, तो डेड की कंडीशन में कैसे मोबाइल को स्टार्ट करना है वो ही नहीं पता है। कुछ भी पढ़ा दो, कुछ भी करा दो, पैसा ले लो, 15 दिन का डेमो दे दो, 4 दिन का डेमो दे दो और बच्चे को क्या करो, फंसा के उसको बर्बाद कर दो। तो इस तरह का काम हमारे यहाँ नहीं होता, कोई डेमो नहीं देता हूँ। पहले दिन फीस जमा होती है, बैच जब स्टार्ट होता है उस बैच में स्टार्ट करके बैच प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करता हूँ और प्रॉपर वे में आपको सारी चीजें करा के दूंगा। इसके बाद पूरा स्कीमेटिक डायग्राम समझाऊंगा, बिट मैप क्या है, इसके अलावा वहाँ पर आपका फ्लो चार्ट क्या है, इसके अलावा डायोड मोड क्या है, उसमें लेआउट क्या है, उसमें स्कीमेटिक में एक एक चीज पूर्जा पूर्जा आपको समझ में आना चाहिए। इसके बाद जितना अगर हमारे पास बिना स्कीमेटिक के हम मोबाइल कैसे रिपेयर करें वो चीज भी बताऊंगा कि बिना स्कीमेटिक के आपको कैसे रिपेयर करना है, स्कीमेटिक के साथ कैसे रिपेयर करना है। आईसीओ का बूट सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए, आईसीओ का डेटा शीट आपको पता होना चाहिए। कब पता होगा, जब आप इस तरह से पूरा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, एसी क्या है, डीसी क्या है, रजिस्टर क्या है, कैपेसिटर क्या है, MOSFET क्या है, कॉइल क्या है, ट्रांसफार्मर क्या है, वोल्ट वॉट एम्पियर क्या है, ये सब पढ़ेंगे। इसके बाद आप मोबाइल के टूल्स पढ़ेंगे, आपकी डीसी मशीन क्या है, डीएसओ मशीनें क्या है। तो इस तरह से जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तब तक आप कभी रिपेयरिंग नहीं सीख सकते। तो टूल्स का नॉलेज, टूल्स के नॉलेज के बाद मोबाइल को खोलना बंद करना, रिंगर वाइब्रेटर होल्डर टच ग्लास, इसका नॉलेज, और फिर डीपली आपको पूरा सर्किट क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा कि कहाँ से क्या वोल्टेज जा रहा है, क्या क्लॉक लाइन जा रही है, क्या डेटा लाइन जा रही, तब जाकर आपको एक्चुअल मोबाइल रिपेयरिंग क्लियर होगी। अभी मैं आपको इसका रजिस्टर का प्रैक्टिकल करा था, उसका आप प्रैक्टिकल करिए फिर आगे बढ़ते हैं। थैंक्स फॉर द वॉचिंग ये वीडियो। इसके बाद अगला वीडियो हम कैपेसिटर पर बनाएंगे और अगला वीडियो CCNA की क्लास में पीछे पैर लग रहा है उसमें। इसके अलावा CCNA CCNP की क्लास पर मैं जो अगला वीडियो है वो भी आगे डालूंगा और एक मदरबोर्ड आया है उस पर वीडियो हम डालेंगे, लैपटॉप आए हैं उस पर डालेंगे। तो आज के वीडियोज मैंने आपको बता दिए, ये वीडियो देखने के लिए थैंक्स।